हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इंटरमीडिएट में नाम मांगने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आप समझ पाइए किस प्रकार से इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करते हैं आप यहाँ पर आज क्लिक करते हैं आप यहाँ पे आ चुके होंगे और यहाँ पे ओके कर देना है और आवेदन करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस लिंक पर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों और इस वेबसाइट नाम जानना चाहते हैं तो लिखा है https://onlineoffs सिर्फ डालिएगा OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट डालिएगा तो ये यहाँ पे आ चुका आ जाएगा। सबसे पहले हमें चुनना है पासिंग ईयर, किस साल पास किए हैं। 2018 में आप एनुअल वार्षिक परीक्षा दिए हैं, कंपार्टमेंटल जो भी दिए वो चुन लीजिए। मैं एनुअल दिया हूँ। दोस्तों यहाँ डेट ऑफ बर्थ चुनना है, अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चुनते ही आप रोल कोड और यहाँ पे रोल नंबर देना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रोल कोड भराएगा, यहाँ पे रोल नंबर भर दिए। यहाँ पे मैं भर देता हूँ इसका 71। मैंने भर दिया और यहाँ पे आवेदक का नाम भरना है। सौरभ कुमार, और यहाँ पे नीचे फादर्स का नाम भरना है। नीचे मदर्स का नाम और नीचे कुल मार्क्स भरना है, कितना मार्क्स आया। और यहाँ पे कुल प्राप्तांक कितने का था, 500 का था प्राप्तांक। और नीचे था अपनी 10वीं परीक्षा में पूरा परीक्षा अन्यथा सुमन परीक्षा की उत्तीर्ण की है, यस करना है। कॉस्ट देंथ एग्जामिनेशन एग्जाम नो, इसमें क्या आप हैवी कॉस्ट देंथ एग्जाम कंपार्टमेंटली, कंपार्टमेंट पास क्या है, नहीं कंपार्टमेंटल में छुट्टी देंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, विद्यालय का नाम देना है, विद्यालय का नाम मेटलेट मार देता हूँ। यहाँ विद्यालय का नाम देना है हाई स्कूल बेला में। और यहाँ पे नीचे डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अपने जिले का डिस्ट्रिक्ट मैं चुन लेता हूँ, समस्तीपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ स्कूल, यहाँ पे एड्रेस देना है स्कूल का, हाई स्कूल बेला में। और ईयर ऑफ पासिंग, आप उस विद्यालय में नामांकन कब लिया था, नामांकन 16 में। और आप किस प्रकार किस वर्ष छोड़े, 2019 में, सॉरी 2017 में नामांकन लिया था और 19 में छोड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चुना जेंडर, अब मेल है फीमेल, मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है फीमेल डालिए। हिंदी भाषा चुनिए, हिंदी अपना। और धर्म क्या है आपका, हिंदू धर्म तो हिंदू चुनिए। और ब्लड ग्रुप है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ब्लड ग्रुप। और आगे भरना स्टेट बिहार, आप अलग देश से भी अलग स्टेट से भी आप तो भी भर सकते हैं। तो दूसरा स्टेट बिहार चुनना है और डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लेना है। और यहाँ पे ब्लॉक अपना चुन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा एड्रेस दे देना है, दोस्तों मैंने पूरा एड्रेस भर लिया। और यहाँ पे पिन कोड डालना है, पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर दे देना है, कोई सा भी मोबाइल नंबर। दोस्तों मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ,
और यहाँ पे ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद आपके पास टेलीफोन नंबर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आप जो भी कास्ट से हैं वो कास्ट चुन लीजिए। मैं ऐसी कास्ट से, तो मैं ऐसी चुन लेता हूँ वैलिड ईमेल आईडी। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप किस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं वो कॉलेज चुनना है। मैं समस्तीपुर ज़िले में दाखिला लेना चाहता हूँ। आप जिस कॉलेज, जिस ज़िले में दाखिला नामांकन लेना चाहते हैं उसको चुनें और अपने कॉलेज का नाम चुनें। कॉलेज का नाम चुन लें, कोई सा भी कॉलेज का। मैं चुन लेता हूँ कॉलेज का नाम और सेलेक्ट। आप साइंस लेना चाहते हैं साइंस चुनिए और आर्ट लेना चाहते आर्ट चुनिए। मैं साइंस लेना चाहता हूँ, क्या आप हाँ सेकेंड ऑप्शन देना चाहते हैं? अगर आप सेकेंड ऑप्शन देना चाहते हैं तो सेकेंड ऑप्शन दीजिए। मैं आपसे कैश कर दूँगा, आप सेकेंड ऑप्शन ही दे दीजिए। अगर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में होता है तो सेकेंड ऑप्शन में चार पांच ऑप्शन दे दीजिए वहाँ पे। मैं सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन देने के बाद कॉलेज का नाम चुनना है और यहाँ संकाय कौन सा विषय लेना चाहते हैं। लेने के बाद यहाँ पे इधर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आवेदन शुल्क 300 रुपये है, 300 रुपये भर दीजिए और यहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने फोटो अपलोड नहीं किया, फोटो अपलोड करते हैं जल्दी से। अपलोड जैसे मैंने अपलोड कर दिया फोटो। मैंने फोटो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे आवेदन शुल्क भर दोस्तों। यहाँ से करने के बाद आप पेमेंट भर दीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते।